हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि नए साल में आने वाली हैं, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। आयोग के करीब 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं और कुछ और विभागों ने 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा करवाएगा, यानी क्या आपका पेट होगा, ओके, इसका फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, आपका पेट होगा सबसे पहले। इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लेगा। इसके बाद जो जो भी रिक्रूटमेंट रहेंगी, जो वैकेंसीज रहेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, उनकी आपका नोटिफिकेशन निकाले जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है, यानी जो आपका पेट होगा वो अप्रैल महीने में होगा। पेट आपका कब होगा? पेट आपका अप्रैल में होगा, ओके, पेट आपका अप्रैल में होगा। पहले आप पेट देंगे, उसके बाद जो वैकेंसी निकलेंगी उस पर आप अप्लाई करोगे, लेकिन पेट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ओके। और कितना परसेंट रहेगा क्वालिफाई करने के लिए, क्या गवर्नमेंट ने रखा है, ये आगे लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा मई तक, अच्छा, जो प्री होगा आपका वो अप्रैल में होगा और जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वो होगा, कब होगा, वो आपका मई में होगी, मुख्य परीक्षा आपकी मई में होगी। फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जो परिवार कल्याण, जो ANM की टोटल पोस्ट हैं 9212, ठीक है, 9212 है, उसकी भी वैकेंसी इसमें रहेंगी, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा, ओके। और उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू करा दिया गया है, ओके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए आयोग के 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, यानी कि जो आपका सिलेबस होगा ये ऑनलाइन आपका सिलेबस जारी करेगा और उसके आधार पर जो पेट होगा तो पेट में क्या क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ओके। और कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर आयोग के अध्यक्ष को देगी। इसके बाद आयोग सदस्यों की बैठक में सहमत के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी, यानी आपको सिलेबस का डिटेल्स दिया जाएगा कि क्या क्या किस टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। और जो एग्ज़ाम्स में आए दिन धांधली होती रहती कि जो भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है या बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, उसको सुधार करने के लिए क्या है, धांधली रोकने के लिए वेबिनार किया गया था। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित करने जा रहा है, जिसमें SRT/STF के साथ और भी जो ऑफलाइन परीक्षा करने वालों के साथ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा और उनके अनुभव और सुझावों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप बनाया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका, और नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पेज ये है और इसमें क्या है, महत्वपूर्ण खाली पदों का ब्यौरा। लेखपाल की कितनी होंगी, 7822 और बेसिक शिक्षा की है 1055, माध्यमिक शिक्षा की है 500 वैकेंसीज और विभिन्न विभागों में क्लर्क की है 7000, लेखा परीक्षक की है 1303, ग्राम्य विकास की है 1658, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों के लिए है,
ये है परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। 9212 आपकी एनम की वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है। तो आप इस पे आपको फोकस करना है और इसको आपकी प्रिपरेशन करना है। और अगर यूपी ट्रिपल सी इस एग्ज़ाम को करवाएगा तो इसके लिए आपको पिट भी देना होगा, ओके। तो पिट एग्ज़ाम की तैयारी मैं अपने चैनल पे करवाऊँगा जल्द ही। और इसमें बाल विकास पुष्टाहार की भी वैकेंसीज हैं और निगर निकाय 383 वैकेंसीज हैं, ओके। तो स्पेशली ये वीडियो है परिवार कल्याण विभाग के लिए और जिसमें कि एनएम की 9222 वैकेंसी हैं, ओके। तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है और इस पे ही फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हमारे चैनल पे जो UPNHM 2700+ वैकेंसीज हैं, जो कि जिसमें कि एनएम और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम भी जल्द ही जनवरी के लास्ट वीक में होना चाहिए और डेट जल्द ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। और अगर आप GS के लिए और जनरल स्टडीज़ को भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं जल्द ही पेट में जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे जनरल स्टडीज़ और आपका हिंदी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सारे टॉपिक्स पे जो वीडियोस रहेंगे वो भी हमारे चैनल पे जल्दी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना है जिन्होंने 2700+ एनएम और स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, ओके। तो उनके लिए आपको हर दिन हमारे विभिन्न टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। और अगर आप उन वीडियोस को आप एक साथ ही देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको UPNHM एनम एग्ज़ाम 2020 का फोल्डर मिलेगा जिसमें आप जाके सारे वीडियोज देख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और इस एग्ज़ाम को कैसे आसानी से क्लियर करें इसके बारे में एक स्ट्रेटजी वीडियो यानी कि उसमें बताया गया है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, उस टॉपिक पे भी एक वीडियो हमारे चैनल पे मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है। तो आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एग्ज़ाम में आप जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके, ओके फ्रेंड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।